लॉकडाउन को लेकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन में सहयोग का हाथ अब राजनीतिक दलों की ओर से भी बढ़ाया जाने लगा है। आज लॉकडाउन 2 के पहले दिन जेएमएम ने एसएसपी किशोर कौशल को भारी संख्या में राशन उपलब्ध कराए। चावल, आटा, आलू, दाल, पानी की बोतलें, बिस्कुट, ब्रेड आदि एसएसपी को दिए गए। एसएसपी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सबका सहयोग वांछित है। वैसी स्थिति में राजनीतिक दल जेएमएम द्वारा आज दिया गया राशन निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। देखिए, लॉकडाउन के अभी हम लोग दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। सेकंड फेज है लॉकडाउन का, ये जो आज से शुरू हो रहा है। तो इसको लेकर के जैसा हम लोगों ने पहली फेज में भी देखा कि काफी संख्या में लोग, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ आकर के प्रशासन का सहयोग कर रही हैं। इस फेज में भी इसी प्रकार से लोग सामने आ रहे हैं। एनजीओ हो, सिविल सोसाइटी हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इवन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी कमिटेड हैं कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और जो जितना योगदान कर सकता है उसमें पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। आप देख रहे हैं यहां भी आज इस प्रकार से एक सहयोग किया गया है संस्था के द्वारा, और इस प्रकार के प्रयासों की अभी आने वाले समय में और भी जरूरत रहेगी। प्रशासन अपने तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी घोषित नीति है उसके तहत सामग्री उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इस तरह के प्रयासों से कहीं न कहीं प्रशासन का जो एक कोशिश है वो और ज्यादा जो है वो सफल हो पाती है कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको सही व्यक्ति तक पहुंचा सकें, जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा सकें, यही हम लोग का प्रयास। किचन अभी चल रहा है और ये लॉकडाउन जब तक ये चल रहा है हम लोग का, 3 मई तक जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अनाउंस किया है उस समय तक वो चलता रहे। जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में छाई हुई है और धनबाद के झारखंड में भी अभी अभी तक तो शांत है, लेकिन अभी जैसा पता चल रहा है कि चिरकुंडा में भी संभावित अभी जैसा देखा जा रहा है, और काफी लोग इस लॉकडाउन में अपने अपने स्थान पर भूखे प्यासे रह रहे हैं। जो खास करके दिहाड़ी मजदूर है, गरीब जनता है, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनके भावना को, उनकी जो व्यथा को समझती है। और आज हम लोग जिला समिति की ओर से पुलिस के वरीय पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोग चावल, आटा, ब्रेड, बिस्किट, पानी इत्यादि आज उनके कार्यालय में हम लोग समर्पित कर रहे हैं कि वो सुदूर क्षेत्र में जो भी गरीब लोग फंसे हुए हैं, भूखे हैं, उनको जो मुहैया कराया जाए। ठीक है।